kids. Welcome to my channel, C for Chiku. दशहरे के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरे का त्यौहार अश्विन मास की दशमी को मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा से पहले रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए और जलाए जाते हैं। दशहरा नवरात्र के 10वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। दशहरा का पर्व श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण के चरित्र से भी सीख देता है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि जीत हमेशा सत्य, साहस, अच्छाई और वीरता की ही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल C for Chiku.